कुंभ की तैयारी के लिए। अजय आप हमारे साथ बने रहिए, अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, दुनिया भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को एक विशिष्ट अनुभव मिले कुंभ में हिस्सा लेने के लिए, इसके लिए तमाम योजनाओं को मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आगमन वहाँ पर हो गया है, रिवर क्रूज की झलक हमने पहले देखी, अब विशेष पूजा अर्चना में भी शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरह से पूरी तरह से तैयार इस वक्त नजर आ रहा है प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए? अश्विनी, इस समय अपना साक्षी बन गई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व बंधु के स्वरूप में प्रयागराज की कुंभ का कुंभाभिषेक कर रहे हैं, त्रिवेणी की पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा यमुना और सरस्वती की अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ समूचे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के इस महापर्व में शामिल होने की। किस तरीके से सनातन संस्कृति शाश्वत गंगा में और सरस्वती की भव तरह पूरी दुनिया को शांति सुख और सौहार्द का संदेश देती है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये एक तरीके से कुंभाभिषेक है, एक तरीके से यह अभिषेक है त्रिवेणी का, ये एक तरीके से 13 जनवरी से शुरू होने वाले 45 दिन के महापर्व महोत्सव महाकुंभ के आयोजन के तैयारियों की एक तरीके से लोकार्पण के कार्यक्रम है। और ये ऐसे कार्यक्रम है जिसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को त्रिवेणी को तो समर्पित करेंगे ही, देश को समर्पित करेंगे ही, पूरी दुनिया ये देखेगी कि किस तरीके से भारत अपनी विरासत को लेकर विकास के पथ पर अग्रसर है, भारत किस तरीके से विश्व बंधु के स्वरूप में समूची दुनिया जो कि युद्ध से कहीं ना कहीं संघर्ष से और परेशान उसको शांति का संदेश देती है। यहीं से पूरी दुनिया ये देखती है कि युगों युगों की वह अजर अमर इतिहास, निश्चित तौर से वो अजर अमर शास्त्रों सनातन संस्कृति जो इतिहास है वो गंगा के तटों से होकर चलता है और गंगा और यमुना के मिलन पर त्रिवेणी के संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की है, संतों से आशीर्वचन लिया है। संतों से आशीर्वचन लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कल्याण राष्ट्र निर्माण की भावना से तहत यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए त्रिवेणी आरती की है। तो निश्चित तौर से पतित पावनी गंगा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, त्रिवेणी जो राज कहा जाता है, साथ ही बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से एक दिव्य और भव्य रूप के दर्शन यहाँ पर होने जा रहे हैं हमें प्रयागराज के। अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्यटकों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को एक बेहद अलौकिक अनुभव मिले। पूरा विश्व आज देख रहा है कि कैसे प्रयागराज के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत आज वैश्विक मानचित्र में सामने आ रही है। उनके पर्यटकों के लिए तमाम प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं और इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र के साथ साथ जो प्रयागराज, अयोध्या, काशी, विंध्याचल हम कहें, अन्य स्थलों पर भी श्रद्धालु जाएंगे, पूरी तरह से एक समागम यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस तरह से जो पूरी योजनाएं हैं, जो पूरी एक जिस भव्य अद्भुत महाकुंभ की कल्पना हमने की थी वो आज धरातल पर सामने जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आपने जो है बिल्कुल सही कहा कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल सभी के सामने है और प्रयागराज को स्मार्ट सिटी रूप में इस बार तो प्रयागराज के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा अर्चना करते हुए संगम के तट पर और एक तरह से कामना यहां पर कर रहे हैं इस महाकुंभ के सफल आयोजन की, जिसमें शिरकत करने के लिए पूरे विश्व से श्रद्धालु पहुंचेंगे, पर्यटक पहुंचेंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये स्थान है प्रयागराज, प्राचीन आस्था की नगरी, बेहद पवित्र इसको माना जाता है और इस